नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अन अलहक का नारा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। ये वो पंक्तियां हैं जिन्होंने देश को इस वक्त गर्मा रखा है, सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक। CAA प्रोटेस्ट के दौरान इसे गाया गया तो बिना इसका अर्थ समझे इसे हिंदू विरोधी बता दिया गया। खैर, वो अलग मसला है। आज हम बात कर रहे हैं फैज अहमद फैज की, जिन्होंने ये नज्म लिखी थी। जिस फैज की नज्म का कुछ बीजेपी समर्थक इस समय विरोध कर रहे हैं, उनसे मिलकर एक दफे अटल बिहारी वाजपेयी रो पड़े थे। ये किस्सा साझा किया है प्रोफेसर सदानंद शाही ने। किस्सा है 1977-78 का। देश पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार देख रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्रालय संभाल रहे थे। वो पाकिस्तान के आधिकारिक दौरे पर गए। विदेश मंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, आना जाना, मिलना जुलना सब पहले से तय होता है। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी प्रोटोकॉल था, उन्हें वो मेंटेन करना था, लेकिन वो नहीं माने क्योंकि उन्हें मिलना था फैज से। वो प्रोटोकॉल तोड़कर फैज से मिलने उनके घर गए। फैज अहमद फैज तब एशियाई अफ्रीकी लेखक संघ के प्रकाशन अध्यक्ष थे। बेरूत, जो लेबनान में है, में कार्यरत थे उस वक्त। उन दिनों पाकिस्तान आए हुए थे। सब चकित रह गए। दोनों, यानी फैज और अटल दोनों, दो तरह अलग अलग तरह से सोचने वाले थे, फिर भी मिले। अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलते ही कहा, मैं सिर्फ एक शेर के लिए आपसे मिलना चाहता था। फैज ने शेर पढ़ने को कहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने फैज की एक मशहूर गजल का शेर पढ़ा। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। कुए यार यानी प्रियतम या फिर प्रियतमा की गली, और सुएदार यानी मौत की तरफ, यानी जो प्रियतम की गली से निकले तो मौत की ओर ही बढ़े। ये उसी गजल का शेर है जिसका सबसे पॉपुलर रेफरेंस आपको हैदर फिल्म में मिलेगा। अरिजीत सिंह ने इस गजल को गाया था। इसका मतलब है, गुलों में रंग भरे, बादनो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। अपना शेर अटल के मुंह से सुनकर फैज भावुक हो गए। उन्होंने गजल सुनाई, दोनों काफी देर साथ रहे और फिर अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें भारत आने का न्योता देकर लौट आए। फैज उसके बाद 1981 में भारत आए और दिल्ली में अटल से मिले भी। ये गजल फैज ने 1954 में लिखी थी, जनवरी के महीने में। फैज तब पाकिस्तान के मॉन्टगोमरी जेल में थे। फैज 1951 से 55 तक पाकिस्तान की जेल में कैद रहे। जब वह जेल में थे तो आरोपों के आधार पर यह माना जा रहा था कि उन्हें फांसी की सजा होगी, मगर जुर्म साबित नहीं हो सका। खैर, फैज भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के आवाम के पसंदीदा शायर थे। कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, हर उम्र के, हर दौर के शायर। फैज का लिखा हुआ आपका पसंदीदा शेर कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉप को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्ले स्टोर पर जाएं और हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड करें। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी शाश्वत ने। मेरा नाम प्रतीक्षा है और कैमरे के पीछे हैं जेरी। शुक्रिया।